अपना नया सदस्य, ये है मिस्टर ओमी जो कि ऑफिशियली ये एडिटर है आईएम के और श्रीमान लेजेंड भाई। सो वंस अगेन स्वागत है दोस्तों आपका आपके भाई की चैनल पे जिसका नाम है मनी मैम। जी हाँ, अभी हो चुके हैं सुबह और सुबह सुबह मुझे करण भाई का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बोला कि भाई चल हमें जाना है, कपड़ा विपड़ा पहन ले ठीक ठाक, हम लोग निकलते हैं। तो करण भाई को मैंने पूछा भाई कहाँ पे जाना है, बोलते वो तेरे को क्या लेना है क्या देना है, तेरे को जितना बोला उतना करने का और निकल लेगा। तो मैंने भी अभी यही किया है कि अभी मैं उठा हूँ और मस्त नहाया भी है, फ्रेश भी हो गया है, अभी टी शर्ट वी शर्ट पहनेगा मैं और निकलेगा। और कहाँ पर जाना है ये अभी उधर उनसे ही जाके मिल के ही हमने को समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं कहाँ पर जाना है हम लोग को और क्या करना है क्या नहीं, चलो निकलते हैं। हो गया हूँ मैं भी रेडी और अभी करण भाई को कॉल करूंगा, देखता हूँ कहाँ पर है ताकि जल्दी आ जाए और हम लोग जल्दी चले जाए, ताकि बाद में अपने को ऑफिस का भी विषय करना है थोड़ी देर में। फटाफट फटाफट ऐसा मस्त ऐसा कपड़ा पहना है व्हाइट वाला, क्योंकि धूप है ना बहुत, तो उससे थोड़ा अपना संरक्षण होगा। इसके लिए कॉल करता हूँ और उसको बुलाता हूँ पहले। तो चलो निकल पड़ा हूँ यारो, पर करण भाई को मिलने के नहीं, मम्मा ने मेरे को एक काम दिया है जो कि बैंक जाना है मेरे को, तो बैंक जाएगा और उसके बाद काम कंप्लीट करने के बाद फिर करण भाई को हम लोग कॉल करते हैं। प्लान में हो गया थोड़ा और एक चेंज, अभी करण भाई को मैं फिलहाल कॉल नहीं कर रहा हूँ, अभी श्रीमान भाई को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि बूट कैंप का जो अपना फ्लोर का मैटिन था ना, मतलब ऊपर जिम के लिए, वो लाना है हम लोग को, तो देखने के लिए हम लोग जाएंगे। पहले देखते हैं कैसा है वो और उसका रेट वेट हम लोग देखते हैं, और बाद में अगर अच्छा लगेगा और मिलेगा तुरंत तो परचेस कर लेंगे। सो दोस्तों अभी फाइनली मतलब 12:30 बजे बोले थे श्रीमान भाई पहुंचेंगे, फ्लाइट थोड़ा डिले था, हाँ तो इतना डिले हो चुका है कि अभी बज गए 2:30 बजे, तो 2:30 बजे अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब 2 घंटा वेट करके। करण भाई को भी फिलहाल होल्ड पे रखा है, वो भी गालियां देता रहेगा, और ये अभी आए हैं, तो अभी देखते हैं क्या विषय होता है। मे बी वो जो मैंने पहले आपको बोला था वो विषय कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है उसके लिए, और अभी इधर ही करेंगे कुछ तो, और बूट कैंप भी जाएंगे हम लोग, वहाँ का थोड़ा सा इनसाइड स्टोरी भी आपको दिखाऊंगा, अभी इतना ही रहेगा। तो होप सो, मैं एक्चुअली अहमदाबाद से आया हूँ और फ्लाइट डिले थी, तो अलीबाग में डायरेक्टली पहुंचा, थोड़ा लेट होना है ना गाइस, थोड़ा लेट तो होना, होना मगर इतना नहीं, 2 घंटा होना थोड़ा, अरे वो फ्लाइट थोड़ा डिले थी, फॉगी वेदर था। यस, तो देखते हैं अभी आगे जाके, पहले तो अभी हम लोग मैटिंग देखेंगे, अभी अलीबाग से पेन जा रहे हैं पेन, yes. मैटिंग देखने के लिए, जिम वर्कआउट्स बॉयज, या देखते हैं अच्छे क्वालिटी का मिलता है क्या। अभी भाई की पहचान है, सरल जाना ना अभी भाई, नहीं इधर जाना, ये कुछ ऐसे तरीके के सैंपल है, हम लोग ये वाला चूज कर रहे हैं और ये वाला, इसमें से जो भी अच्छा लगेगा ले लेंगे हम लोग। ये दुकान में इतना सारा है, बट अपने काम का कुछ नहीं है, सब बाकी के काम का है। फाइनली दोस्तों हमने ले लिया है, मतलब बुक कर दिया है, अभी आएगा 4-5 दिन के बाद। अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छा था, बट थोड़ा सा पैसा ज्यादा था, पर ठीक है ना, कोई इशू नहीं, अभी जगह पे मिल गया। डेविल जी पे हमें भरोसा नहीं है, हाँ। हमें माप दिया है डेविल जी ने, हमको सेंटीमीटर बताया कितना है कितना, एक बार वेरीफाई करना जरूरी है, जरूरी है। तो अभी उधर जा रहे हैं हम लोग बूट कैंप में, थोड़ा 1.5 घंटा लगेगा हम लोग को पहुंचने के लिए, तो वहाँ पर जाके थोड़ा वेरीफाई करते कि भाई बराबर दिया है कि नहीं मोज माप, नहीं तो फिर लपड़ा होएगा ना, बैठेगा नहीं तो वाट लगेगी। एक्चुअली ये हम लोग जिम के लिए यूज करने वाले हैं, किसके लिए यूज करने वाले हैं तो पता ही नहीं, बॉडी नुस्ती जिम, कसने का विषय, कचने का और मे बी कचेगा नहीं, कभी कभी कसेंगे, अरे कसेंगे कचकर छपरी रे छपरी मेंटल साला, तो नाले क्या है। बूट कैंप के पास के अंबे निकाले नोबिता ने, और अभी भाई अभी कुछ तो बना रहे हैं, अभी क्या बना रहे हो? हम लोग इसका मतलब ये बना रहे, उसमें ना मीट मसाला डाल के खाने के लिए बना रहे, मस्त मस्त एकदम टेस्टी लगेगा। मुंह को पानी आ गया रे, तुम ट्राई करो, ये देखो कैसे उसको छिला गया है, सोला गया है, एकदम करी इज्जत इज्जत इज्जत। ये है फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, अभी इसका टेस्टिंग चालू है।
मेरे बच्चों डेविल कोड़ोक कोड़ोक जाले बाप। चलो बाकी समझ डालो। चलो अंबट तिखट गोड सगळं लागतंय का? पण अभी ऐसा कीमा कौन बना? कीमा कौन ने बना था? खा के तो देख। स्वर्ग जबरदस्त गड़क गड़क मैं लिलबिरित लग रहा है बट क्यों बात है क्या वो करना जरा टेस्ट करना। चलो अभी एक दिखाता हूँ टेस्टिंग कॉम्पिटिशन चाल अरे खाउन बघ एक एक घास खाउन बघ नाही डोळे मी चकले कसे मला देखो स्वतः चल रहा है क्रिकेट और बॅट्समन देखो एकदम खंदा फलंदाज आहे धुरंधर फलंदाज आहे बॉलर भी है थोडा सा जवान तो इतना जोर से मत बॉलणार रे जवान आदमी। हा अशी बरोबर बॅट पकड अशी ना अशी उलटी हा अशी बॅट पकडायची असते हा टाक मार हा तशी त्या मधल्या कपचित बॉल लागला पाहिजे तर सिक्स और एक हमारे पास सुरेश रैना जैसा एक प्लेयर है फील्डिंग के लिए फुल वन साइड क्रिकेट चालू है वन साइड नड रहे नोडो 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 डेविल द भाई बॉलर फील्डर है श्रीमान द लेजेंड एंड डाकू जी है बैट्समैन अच्छा गावात कैच सोडली सिद्धिया बॉर्डर के पीछे की तरफ से अच्छा गावात ये सिक्स भागे लगे से ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए नुसते आठ झोड शॉट चाललेले आहेत आणि नुसते सगळे वरती नुसते सगळे पत्र्यावर शॉट पत्रा शॉट बोलते इसको हा ना पत्रा शॉट चालू आहे पत्रा शॉट अभी देखते गेंदबाज अच्छा गावात मुथैया मुरलीधरन का भाई श्रीधरन ही बोल तुमसे ना हो पाएगा नया बॉलर आया है ये कौन सा नया बॉलर आया मार्केट में डेविल भाई संभाल के रहना तुम मर जाओगे तड़ जाओगे फर जाओगे देखो अभी बॉलिंग तो देखो इसका नया बॉलर का खचकी खाप क्या ऐसी क्यों डाल रही है पता है वो जब भी अंडरम डालती है ना तो उसका बॉल ये बैट्समैन तक आता ही नहीं पहुंच ही नहीं पाता इसके लिए आठ झोड़ वेट करा लगता है इसलिए आठ झोड़ फेंका फेंक चालू है ये देखो सरपंडी बॉल बोलते इसको सरपंडी तू आपली ओरण टाक तुझी हा जमते जमते कुत्ते नड ना नड जोरत मारना आता देखते अभी चलो डेविल भाई को कितना रन मारेंगे और इस तरीके से वो दीवार पे लगाए पर अभी फिलहाल वो आउट का विषय नहीं है अभी सीधा आउट का विषय और बोल्ट आउट का विषय है पर ये कचकव रहा है बैट्समैन बहुत जोर से कचकव रहा है बहुत जोर से मतलब उसने युवराज सिंह के अंडर उन्होंने ये लिया अभी धोनी का शॉट देखते ये देखो छकड़ी छकड़ी मारी इसने छकड़ी छकड़ा मारा है ये बॉलर को फिर से एक बार वंस अगेन आनी और हो गया है आउट हो गया है इसका काम 25 और बॉलर का सेलिब्रेशन तो देखो धोनी शॉट दिखा रहे थे तो मतलब हम लोग इसको आउट समझे कि नहीं समझे राहुल द्रविड़ शॉट दिखा गो भाई हाँ शॉर्ट दाखोते मार चल दिखा दोबारा एक बार पर फिर से वन मोर चांस ले रहे क्योंकि ये ट्रेनिंग सेक्शन चालू है वर्ल्ड कप के पहले का नाचा शॉट ई वंस मोर नाचा भाई वंस मोर नाचा रे नाचा अय्या तू आउट झाला रे एवढं कसं काय लवकर आउट झाला आता नको मला
अभी हम लोग का क्रिकेट विकेट खेल के हो गया काम 25। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब मेरे को श्रीमान भाई घर छोड़ रहे और इसके बाद ये जाएंगे उनके घर। तो मैं मौसी के यहाँ पे गाड़ी लगा के फिर अहमदाबाद के लिए निकल रहा हूँ। फिर ठीक है, पर जल्दी जाना और जल्दी आना अगले हफ्ते। अभी 7:30 की फ्लाइट है, हो जाएगा। तो ये जल्दी जाएंगे और नेक्स्ट वीक में जल्दी आएंगे। तब तक अभी मैं करण भाई को कॉल कर लेता हूँ और करण भाई के साथ जाता हूँ, वहाँ पर जरा डेवलपमेंट का विषय है और देखते हैं काम कैसे कैसे हो पाता है कि नहीं 25 आगे का। और चलो, क्रिकेट जो खेला, हाँ काफी अच्छा लगा, मजा आया ना। मुझे लगता है क्रिकेट खेलना चाहिए ब्रो। नहीं, अब हमारा बॉडी है ना, बॉडी रिएक्ट कर रही थी। नहीं, वो नेक्स्ट वीक में यही प्लान किया है ना कि क्रिकेट खेलेंगे और इन फेमस माफिया के चैनल पे एक ब्लॉग भी आएगा उसका। मतलब अलग अलग एंगल से हम लोग 5-6 कैमरा सेट करने वाले हैं। मतलब ऐसे दिमाग में मेरे प्लान है, तो देखते हैं, वर्कआउट करते हैं और कुछ तो मजा आते हैं। मतलब आपको भी देखने के लिए मजा आएगा अलग अलग एंगल से। क्या बोलते भाई, 125% माजी चोचोलो। यस बेबी। गाइस अभी करण भाई के पास गए थे हम लोग, बट करण भाई मतलब कुछ तो काम में बिजी था, तो हम लोग को भी कंटाल आया क्योंकि बहुत दोपहर हो चुकी थी। तो हम लोग रिटर्न आए बूट कैंप्स के दिल में, बच्ची कपड़े वपड़े पहन के, और इधर फिर से चालू है अपना क्रिकेट। अभी अपना मीत्या भाई भी ज्वाइन हुआ है और करण भाई भी ज्वाइन हुआ है, पर उनको कैसा फोन कॉल्स, नया सदस्य को रहे। और नया सदस्य भी दिखाता हूँ आपको, रुको। तो ये है अपना नया सदस्य, अगर आपने इसको पहचाना नहीं रहेगा तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका। ये है मिस्टर ओमी, जो कि ऑफिशियली ये एडिटर है आई एम के और श्रीमान लेजेंड भाई के। ये अभी आज से ज्वाइन हुए, जस्ट एकदम कवळा कवळा, आणि त्याला जरा खायला वगैरे भेटला नाहीये। बघा ना कसा बारीक झाला बिचारा, लय बारीक झाला, लय लय। आता श्रीमान भाऊ त्याची काळजी घेणार आहेत आणि त्याला एकदम गोल गप्पा करणार आहेत। काय रे श्रीमान, आता याची काळजी घेऊन याला जरासा गोल गप्पा करा। पहिलाच दिवस आहे, पहिले दिन उसकी एक्सरसाइज चालू आहे, देखो ना क्रिकेट के लिए। और मित्या का तो कुछ विषय ही नहीं बाबा, मित्या पहले से गोल गप्पा है, 5-6 दिन से कंटिन्यू फेम है, फुल ना, मचा रहा है। इसका बैटिंग देखो ना, आप भी हंसोगे इसके बैटिंग के ऊपर। ये कौन सा शॉट है, मतलब देखो कूले कैसे बाहर निकल रहे हैं, देखो उसके मारते टाइम ईग कूले कैसे बाहर गए, तो ई भाग टाइम हो गया अभी दोस्तों, और क्रिकेट खेल खेल के थक चुके हैं हम लोग, और लास्ट में अभी डेविल भाई की बैटिंग है। देखते डेविल भाई कितना टिकता है बैटिंग करने के लिए, और नहीं तो आउट हो जाता है। आइला मेरे पैरों में से गया रे बॉल। और ये गोल गप्पा अभी अपने टीम में नया ज्वाइन हुआ है। इज्जत निकलेगी, इज्जत निकलेगी, बहुत निकलेगी, रेडी रहना। और एकदम फ्रेशर बॉलर है, अभी अभी ताजा मैदान से निकला हुआ है, और ये आउट हो गया है, ऊपर लग गया, ऊपर आउट। ये जसप्रीत बुमराह का भाई है, आता जोरत नहीं मारते, तीन वेळा पाय लागला आउट। और बैट्समैन देखो ऐसा लग रहा है 5-6 दिनों से कुछ खाया नहीं उसने, ऐसे हाथ में बैट दिए और बैट का वजन है 250 किलो, खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, और ऐसे आउट। बनाया अभी और उसको चाहिए जोर से बॉलिंग। अच्छा गावत, कचकौला, क्या क्या क्या, टेम्पलीज टेम्पलीज, बताइए क्या था टेम्पलीज, आउट ना, आउट ना, आई ले डेंजर है, ये नियम कड़क है। फिर से, मतलब ये कितनी बार जिएगा ये बंदा, दो बार आउट हो चुका है, आउट, फिर से आउट। अरे आका खोटारडा है रे, हा खोटारडा, एक नंबर सा ग्राउंड दिखा दो आपको पहले तो, कितना बड़ा ग्राउंड है देखो, ये देखो, एक फील्डर इधर, एक फील्डर इधर, बॉलर इधर, पूरा ग्राउंड है।
और ये अपना ब्लॉग यहाँ पर ही जाएगा, इसी ग्राउंड में प्ले ग्राउंड में खत्म होएगा शायद। और ये देखो दोस्तों, सब लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और ये देखो फोन पे बात कर रहे हैं। मतलब देखा, हम लोग इधर मस्ती करेंगे और ये इसका ये काम चल रहा है इधर। मतलब कितने हाथ तो देखो, कितने हाथ पे फोन पे बिजी रहता है और फोन पे बातें करते करते मजा लेते हैं। करण भाई आज आएगा क्या? करण भाई किससे बात कर रहे हो? हाँ अभी बोलो, इम्पोर्टेंट काम है, केबल का, नेटवर्क का, नेट का। A few moments later, बाहर सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और ये देखो अंदर आयाशी चल रही है। न्यूज न्यूज, ये कौन सा न्यूज है ये देखो। हाँ और ये देखो इधर, जैसे कैमरा घुमाया ना तो फोन निकाला कान से बाहर। सर हाँ सर, अरे इतने झूठे हो ना। और ये तो देखो कितना आयाश, बाहर सब लोग मस्त पे की बैठे हैं और तू अंदर आराम से। मैं देखने का ऐसा मालूम है क्या? हाँ, एक चिल लाइफ जीने वाला इंसान, चिल लाइफ, घोंघाट मस्ती, आई डोंट लाइक ब्रो। अरे इसको बोलते हैं घनेड्डा मानुस, घनेड्डा घनेड्डा। क्यों? हाँ मतलब ये कौन सा ऐसा रहता है बंदा अकेले? ये देखना इधर कोई कुत्ता नहीं है, ये आके इधर खाली बैठा है, हेडफोन वेडफोन लगा के। इसमें मैं खुश हूँ। अरे क्या भाई, तो देख क्या रहे अपना आज का वीडियो देखना। थेरेडे के पास सॉन्ग कुछ है नहीं। आज का वीडियो देखना मेरा, मुझे इंटरेस्ट नहीं। देखा गाइस, ये देखा इंटरेस्ट नहीं बोल रहा है। देखो कैसे दिख रहा है फोटो, मजा कर फोटो याचा काड। अरे हा फोटो मावेल का ए, 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 तू क्या बोल रहा है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं गाना एकदम, मैं कुछ नहीं, मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ। तू नाच, तू नाच। आयाश आयाश कही का आयाश, अब ये व्लॉग देखेगा ना तब मेरे को टाइट, मेरे को बोलेगा इतना गाली दे रहा था मेरे को। आपको बताने वाला था कि एक नया मेंबर अभी जुड़ चुका है, तो दूसरा मेंबर भी ज्वाइन होगा। मैं उसका नाम फिलहाल नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सीक्रेट है। तो पहले तो अभी जो आया है, ए रुकना बात तो करने दे। तो अभी जुड़ चुका है, वो स्पेशली एडिटर के लिए जुड़ चुका है, और दूसरा आएगा वो भी आपको बताऊंगा कौन सा। और ये देखो बिना काम का हीरे की जरूरत हर जगह नहीं होती, इतना याद रखो। और मैं ओरिजिनल चिकना हूँ, मुझे याद भी मत करो। कोहिनूर हीरा एकदम गोरा गोरा, इसके गोरे दिखते रहे। अरे मैं गोरा ही, बॉडी पर बॉडी पर बॉडी पर नहीं, मैं आज घातली ना बॉडी। फोटो काढ़ा गाइस, चिकना कौन दिखते कमेंट में बताना। हाँ गाइस, चिकना कौन दिख रहा है कमेंट में जरूर बताना, ये दिख रहा है कि मैं दिख रहा हूँ। हाँ तो हम लोग ये बात करने वाले थे कि नया मेंबर आएगा। नहीं दे रहा है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। अच्छा गावत रे, अच्छा बटाटा वटा शांत रहना जरा। हाँ तो ये बोलने वाला था, अच्छी कटकड़े जा ये मारिला भी ए थाई थाई दिखा। तो ये बोलने वाला था कि नया मेंबर भी ज्वाइन होएगा, पर वो जल्दी होएगा, अभी तक डिसाइड नहीं किया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कुछ नहीं, यही अपडेट, और ये सब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर। और आप बोल रहे थे कि मुझे इनसाइड बूट कैंप की स्टोरी दिखाओ, इनसाइड इनसाइड, ये क्या इनसाइड दिखाओ? ये ऐसे आयाश लोग इधर ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं, यही है इन फेमस माफिया की इनसाइड स्टोरी बूट कैंप की। मैं तो आयाश हूँ भाई, नो इशू। चलो मान तो लिया एटलीस्ट, चलो कोई इशू नहीं है। दोस्तों बूट कैंप में एक घोरपड़ मिली है, वो घोरपड़ दिक्कत है, ये देखो ये देखो, और उसमें लाइट मारता हूँ मैं, देखो ये देखो देखो घोरपड़। तो कुछ नहीं था दोस्तों, यही था हमारे व्लॉग में। और आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें। बंदेला टाइमिंग नव्हती, ताकी ती कधी बोलायचंय पटकन बोलून। बाकी कुछ नाही था, जैसे और भी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जुड़े रहना और ऐसे ही प्यार देते रहे, ऐसे ही प्यार देते रहना। जो इनसाइड बूट कैंप की स्टोरी थी, कैसे डे चिल आउट किया, पूरा दिन ऐसे हम लोग का गया है टाइम पास करके करके। आप ताशी तीन और एक नया बंदा जो ऐड हुआ है उसको भी वेलकम कर लेते हैं। वो नए बंदे का चेहरा एक बार फिर से दिखा, डोलो जी, डोलो जी, यस इसका नाम रखा है हमने डोलो जी, तो उसका एक बार वेलकम किया है हम लोग। और चलो बाय बाय, और ए आवाज कमी करे, तो मारी भी तू। यही था आज का कुछ एंड 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 एंड।
भरत। और गाइस ये व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और बूट कैंप की इनसाइड की स्टोरी, मतलब ये ऐसे आईएएस लोगों को आपको देखना रहेगा, तो कमेंट में बताना, देखना है तो आगे का पार्ट आपको जरूर जल्दी लेके आऊंगा मैं। चलो बाय, मिलते हैं अगले किसी नए व्लॉग में। बाय बाय बाय। ए डेविल आईएएस कचकी बाइकर चुम्मा दे। बाय बाय गाइस, ऐसे ही किसी और जोड़ व्लॉग में वापस से मिलते हैं।